शहर से हूँ। मेरी आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, इसीलिए मैं रोहतक दिखाने गई थी लाइफ केयर हॉस्पिटल में। वहाँ पे राजेश मिश्रा जी मिले, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में आओ, वहाँ पे आपको अच्छे ट्रीटमेंट मिलेंगे, क्योंकि मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे दिखना बंद हो गया था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद खुशबू गोयल जी ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया, जो जो उनको मतलब अच्छा लगा वही मेरे ट्रीटमेंट किए, तो पहले दिन से मुझे असर दिखना शुरू हो गया। अब मैं 6 तारीख को यहाँ पर एडमिट हुई थी और आज मेरा डिस्चार्ज है और मुझे लगा लो मेरे को बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और 13 तारीख से पहले मेरे को छुट्टी मिल रही है, क्योंकि मैं करवा चौथ का व्रत करूँगी और जाके अपने हस्बैंड को देखूँगी। इसीलिए वंस अगेन धन्यवाद मणिपाल हॉस्पिटल। नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशबू गोयल मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से। पेशेंट सीमा हमारे पास बहाना गांव से आई थी, उनको लेफ्ट आँख में देखने में दिक्कत हो रही थी 10 से 15 दिन से, और ये दिक्कत उनकी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब वो यहाँ पर आई तो वो रीड नहीं कर पा रही थी कुछ भी, और इवन फिंगर भी काउंट नहीं कर पा रही थी। हमने उनकी जाँचें की, MRI स्कैन कराया, नसों की जाँच की, आईज की, CSF टेस्ट किया और एक इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन शुरू किया। उस इंजेक्शन से 2 दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी स्टार्ट हो गई, और जब वो डिस्चार्ज हुई वो हमारे पास 5 दिन रही। जब वो डिस्चार्ज हुई तो उनकी आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक वापस आ गई थी, वो रीड कर पा रही थी दूर का और पास का, एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। थैंक यू।